माँ बाप भी जाएं। घर पे हम सब ने एक उपदेशक बैठा रखा है टेलीविजन के रूप में, जो सारा दिन बढ़िया विचार देता है, जो आप खुद भी समझते होंगे, जिसके समाचार भी बहु बेटी और हम सारे मिलकर के देखने की स्थिति में नहीं होते। सारा दिन ऐसे विचार प्रस्तुत होते हैं वहां और बच्चे उसके सामने चिपके रहते हैं। बाहर निकले तो बच्चों का कुसंग उनको बर्बाद कर रहा है। समाज में कहीं बालक के निर्माण की योजना का पाठ ही नहीं। और असली पूंजी यदि किसी परिवार के, किसी देश की, किसी समाज की है, तो ये मासूम प्यारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इनका निर्माण कर गए, मनुष्य का निर्माण हो गया, तो समझो समस्त विश्व का भला होने की संभावना बन जाती है। भाई और बहनों, इतनी बड़ी ये दुनिया है, भगवान ने कितनी प्यारी प्रकृति बनाई थी। पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाए, धरती बनाई, आसमान बनाया, और इस धरती पे असंख्य प्राणी है। भाई और बहनों, भगवान की बनाई इस व्यवस्था को किसी प्राणी ने खराब नहीं किया। यदि भगवान की व्यवस्था को नाश किया, बर्बाद किया, तो इस मनुष्य ने किया है। सब जगह बर्बादी इसके द्वारा हुई। आप देख लो अपनी आंखों से, नदियां साफ सुथरी थी, गंदी की तो वो हमने की, समुद्र गंदे किए तो हमने किए, इस सुंदर वायु को बर्बाद किया तो हमने किया, जल का पानी दूषित किया तो हमने किया, ये गाय भैंस गधे घोड़े ऊंट बकरी ने इसमें कोई व्यवधान नहीं डाला। आज हत्या है, दुराचार है, बलात्कार है, बेईमाना, भ्रष्टाचार है, बेइंसाफी है, जितना पाप इस धरती पर है वो इस समझदार आदमी के कारण है। इस व्यवस्था को हम अच्छी कैसे कर सकते हैं, उसका आधार केवल और केवल ये बढ़िया इंसानों का निर्माण करना। यदि ये बच्चे बढ़िया इंसान बन गए तो इससे बड़ी पूंजी हमारी कोई नहीं है। हमारे यहां कहावत है, पूत सुपूत काहे धन संचय, पूत कुपूत काहे धन संचय। भाई लोगों, यदि आपने अपने बच्चों को सुपुत्र बना दिया, योग्य बना दिया, भला आदमी बना दिया, कर्म योगी बना दिया, पसीना बहाने वाला बना दिया, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसमें ताकत है कि वो उसे खुद बना लेगा। और यदि ध्यान करो मेरी बात की ओर, आप माता पिता ने सारी ताकत सवेरे से शाम तक उसके लिए बढ़िया महलों के बनाने में लगाई, उसके लिए बढ़िया गाड़ियां जुटाने में लगाई, उसकी तिजोरियां भरने में लगाई, और उस बच्चे को संस्कारित बढ़िया आदमी नहीं बनाया, तो आपके द्वारा इकट्ठा किया धन उस बालक की बर्बादी के सिवाय वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो विनाश करेगा। मैंने अपने इन मित्रों से यही निवेदन किया कि इस दिशा में बढ़ो, और इस देश का निर्माण करना है तो एक महापुरुष ने कहा था, भाई और बहनों, कि किसी राष्ट्र का निर्माण नदी नालों से नहीं होता, किसी भी राष्ट्र का निर्माण बहुत बढ़िया सड़कें बनाने से नहीं होता, किसी राष्ट्र का निर्माण बहुत भव्य भवनों से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण कल कारखानों से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत बिजली की तार बिछानों से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण होता है वीर माताओं के सतीत्व से, राष्ट्रों का निर्माण होता है इन मासूम बच्चों के संस्कारवान होने से, चरित्रवान होने से, धर्मात्मा जितेंद्रिय और परोपकारी होने से राष्ट्रों का निर्माण होता है। तो मैंने अपने इन मित्रों को कहा कि इस निर्माण की ओर बढ़ना है, इस निर्माण की ओर बढ़ना है, और इन्होंने बैठकर के चिंतन किया,
निर्णय हुआ फेडरल सर अपने फेडरल बैंक के हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनका सहयोग मिला और उस सहयोग को सारों ने मिलकर के ऐतिहासिक में इसलिए बताता हूं कि ये जो भवन दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा सहयोग मिला, भगवान की कृपा हुई। आपको इतना बड़ा ये परिसर कुल एक साल के अंदर बन करके तैयार हो गया, कुल एक साल में। आगे हाँ, वो गलती बोल गया मैं यहां पर, ये गलत कह गया, ऐसा नहीं यार, तो बात हुई थी वो। ये कैसे बना कि जैसे मां के गर्भ में कुल 9 महीने में बालक का निर्माण होता है ना, ये भवन कुल 9 महीने में तैयार हुआ था। और मैं एक भावनात्मक बात कहना चाहता हूं, ये 9 महीने में तैयार होने वाला भवन मानो मां के गर्भ के रूप में तैयार हुआ है, और आने वाले बच्चों को जैसे मां एक 9 महीने में बच्चे का निर्माण करती है, इस भवन रूपी गर्भ में ऐसे बालकों के निर्माण की जबरदस्त प्रक्रिया चलेगी, और जिसका प्रारूप कुछ आप झलकियां देख चुके हैं। क्या आपको विश्वास है कि अप्रैल में आप बच्चों को देख करके गए थे और आज 7 महीने भी नहीं हुए हैं, और 7 महीने का ये जो रूप था ये तो बाहरी था। जगदीश जी अभी मेरे साथ बैठे थे कि पूरे दिन में, ध्यान करो मेरी बात की, और पूरे दिन में 15 मिनट भी मेरे बच्चों के बर्बाद नहीं होते हैं, 15 मिनट भी। जिस बच्चे के निर्माण में 24 घंटे में से 15 मिनट भी व्यर्थ ना जाते हो, उस बच्चे के निर्माण को कौन रोक सकता है? भाई और बहनों, यहां जो कार्य चल रहा है वो एक भावना के साथ चल रहा है, एक विश्वास के साथ चल रहा है, ईश्वर की साक्षी में चल रहा है। मैं 35 वर्ष तक जिस गुरुकुल कुरुक्षेत्र का संचालन करता रहा, मेरे स्टाफ के लोग यहां पर भी बैठे हैं, जब भी हम कभी बैठते थे, और मैं जहां भी जाता हूं इस बात को बताता हूं, और वो ये बताता हूं कि देखो, एक मां एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उस बालक के साथ कितना आत्मीय भाव पैदा करती है। उसका बालक 2-3 महीने का था, एक मां का, दिन में सो गया, मां को बाजार में जाना था, ये सोच करके मां ने अपना पर्स उठाया कि जब तक छोटू सो रहा है मैं बाजार के काम कराती हूं। ध्यान करो, ये मैं बात अपने सारे स्टाफ को बोलता रहा हूं, इस घटना से हमारे चिंतन का आपको पता लगेगा। वो मां जब बाजार की ओर जाने के लिए तैयार होती है तो अपने सोते हुए बच्चे के चेहरे को देखती, सिर पे हाथ रखती है और अपनी सास को ये कहती, मां मैं बाजार जा रही हूं, आपने बच्चे का ध्यान रखना, उठ ना जाए, और उठ जाए तो दूध तैयार है, इसको पिलाना है। देखो, यदि ये बात ना कह करके जाती तो क्या सास उस बच्चे को नहीं संभालती? संभालती, लेकिन उस मां को अपने से ज्यादा किसी पर विश्वास ही नहीं, उस बच्चे के पालने का किसी पर विश्वास नहीं। मां की ड्यूटी, सास की ड्यूटी लगा दी। जब बाहर की ओर जाने लगी तो ननद सामने दी गई, उसकी भी ड्यूटी लगा दी, बच्चे का ध्यान रखना। और दिल्ली से बाहर कदम रखा तो पतिदेव जी आ रहे थे, उसकी भी ड्यूटी लगा दी। 3 आदमी की जिम्मेदारी लगा दी, लेकिन अंदर से विश्वास उसे फिर भी नहीं है किसी पे, उस बच्चे के पालने में। बाजार में चली गई, दुकान दर दुकान जा रही है, बीच में ध्यान आया, टेलीफोन करके पूछती, छोटू सो रहा कि जाग रहा? इतना
अविश्वास सभी के ऊपर। लेकिन उसी मां का भाई और बहनों, जब बच्चा 4-5 साल का हुआ तो किसी पर विश्वास ना करने वाली वो मां अपने उस जिगर के टुकड़े की उंगली पकड़ करके कहां ले जाती है? स्कूल में ले जाती है, गुरुकुल में ले जाती है, और अपने लखते जिगर को हम अध्यापकों को सौंप देती है। उस मां ने अपने बच्चे के निर्माण में, विकास में, पालने में किसी पर विश्वास नहीं किया। उस मां ने विश्वास किया तो हमारे ऊपर किया है। और इससे भी आगे, अब छोटू हमें नहीं जानता था, हम उसके लिए नए थे, मां उसके लिए उसकी मां है, जन्म से उसका संबंध है। मां हमारे पास छोड़ करके घर की ओर जाने लगी तो छोटू रोता हुआ मां के पीछे दौड़ लिया, और वो मां जिसने किसी पर विश्वास नहीं किया बच्चे के पालने में, अपने उस बेटे के मुंह पर थप्पड़ लगाती है और जबरदस्ती फिर हमारे पास छोड़ के जाती है। भाई और बहनों, मैं अपने स्टाफ को सदा ये बात कहता रहा हूं, उस मां के विश्वास को यदि किसी ने तोड़ दिया तो दुनिया में इससे बड़ा पाप दूसरा हो नहीं सकता। तो डॉक्टर राजेंद्र जी ने जो बात कही है आपके बीच में, भाई आदमी है, पूर्ण केवल भगवान है, आदमी पूर्ण नहीं हो सकता, कमियां हो सकती हैं, लेकिन नियत में खोट नहीं होना चाहिए। नियत में खोट गलत बात। यदि आपने मासूम बच्चों को सौंपा है तो अब इनकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से हमारे पूरे इस परिसर में जिम्मेदार लोगों की, उनका हर प्रकार का विकास, हर प्रकार की उन्नति, उनकी सोच को बदलने का काम ये हम उन लोगों का है जिन्होंने स्वीकार किया है इन बालकों को, और इस जिम्मेदारी को ये गुरुकुल बखूब निभाने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं। आज दुनिया में, दुनिया भर के स्कूल हर कोने पे आपको मिलेंगे, बाजार की भीड़ी गलियों में कहीं पर भी आपने देखा है दुकानदारी का कार्यक्रम चालू है, लेकिन हम उस सोच के साथ नहीं निकले। हमारी सोच है कि ये मेरे देश के बच्चे हैं, ये हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, इनसे बड़ी पूंजी हमारी संपत्ति दूसरी नहीं है। यदि इनका निर्माण है तो राष्ट्र का निर्माण है, समाज का निर्माण है, कुल का निर्माण है, सब कुछ इनके हाथ में है, निर्माण और पतन का आधार। तो आज बहुत मेरे को अपार प्रसन्नता है। वैसे मैं बीच बीच में यहां खूब आता रहता हूं, बच्चों से मिलके जाता हूं, लेकिन मेरे को भी सही अर्थों में इतना नहीं पता था कि जगदीश जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, शिव कुमार जी, महेंद्र जी और हमारे स्टाफ ने इतनी स्पीड पकड़ रखी है, इसका मेरे को भी आभास नहीं। बेहद प्रसन्नता है कि 7 महीने, अभी तो 9 महीने भी नहीं हुए, 9 महीने एक मां के पेट में बालक के निर्माण में लगते हैं, लेकिन इन्हें तो 7 माह से ही पूर्ण बना दिए, ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत खुशी की बात है, और आपको एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने पूरे प्रबंधक स्टाफ के लोगों को, अध्यापक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस मिशन के साथ, जिस सोच के साथ इस नए गुरुकुल की स्थापना की थी, ये लोग बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप को विश्वास हो गया आप और मेरे को भी कि हमारा ये एक एक बालक कितना महान बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा,
भगवान इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और आप सब से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरा ये बहुत पुराना अनुभव है कि यदि आप सहयोगी नहीं बने तो हमारे काम में व्यवधान बनेगा, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आज इस घटना, आज वाले इस कार्यक्रम से अभी तो और भी होने वाले हैं, आपको विश्वास हो जाना चाहिए। दिक्कत क्या आती है कि माता पिता पूरा सहयोग नहीं करते। डॉक्टर साहब ने कहा ना, चार दीवारियों को घेर लिया, सारा दिन टेलीफोन पे घुमाते हैं, यहां आकर के जमावड़ा जमा देते हैं। जितनी एक तरफ तो 15 मिनट भी इन बच्चों की खराब नहीं होने देना चाहते, और दूसरी तरफ आप एक अनावश्यक झूठे मोह को लेकर के यहां द्वारों को तोड़ने को खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप विश्वास करो, और विश्वास बनना चाहिए। हम इनको बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, आप इनको गंडा ताबीज पहना करके मजबूत बनाना चाहते हैं। हम इनको गंडे ताबीज से, उनमें तोप फिट होती तो अब तक इन सारे पंडितों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों नहीं फिट कर दिया। आपसे पूछता हूं मैं, वहां हजारों सैनिक मर रहे हैं, यदि इन काले पीले धागों में इतनी ताकत होती तो इन पाकिस्तानियों की ओर भी छोड़ दो ना कुछ एक आधा प्रोग्राम कि उनका इलाज हो जाए। हाँ भाई लोगों, और मैं ओपन एक बात कहता हूं, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, प्रश्नोत्तर करना और मैं अपनी बात खत्म करता हूं, उत्तर देना एक बात का। इस अंधेरे से निकलो, इस पाखंडवाद से निकलो, अपना भविष्य अपनी मेहनत से बनता, दूसरे से नहीं बनता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मलेरिया बुखार तो मुझे हो और कुनेन की गोली आप खाते रहो तो मेरा बुखार उतर जाएगा क्या? नहीं उतरेगा ना। तो कष्ट तो मेरे पे ठेका ले रहा पंडित जी, कैसे काम चलेगा? है कोई इसका कनेक्शन नजदीक का भी? भाई लोगों, एम ही दुखी हो रहे। अच्छा एक बात अंतिम उत्तर देंगे ध्यान से। साइंस का युग है, लोग चंद्रमा पर प्लाट काट रहे, तुम काले पीले डोरों में लपेट रहे इन बच्चों को। ये किसी से मार खा सकते हैं? जो पसीने में, जो डॉक्टर साहब ने कहा, किसी कॉन्वेंट में चले जाओ ना, कई बेहोश होते, बराबर में एक रखनी पड़ती गाड़ी अस्पताल में ले जाने के लिए, और हमारे इन बहादुरों को आई कोई दिक्कत? ये है मजबूत इंसान के निर्माण की योजना। मैं आपसे पूछता हूं, एक बालक इनमें से लो, हमारे इन बच्चों से, इन बच्चों भी ध्यान कर